जय जोहार संगवारी हो। तो संगवारी हो, आज के मोर नवा ब्लॉग में आप जम्मो संगवारी मन के हृदय ले स्वागत है। और अभी बजे 5 जब मैं अपन ब्लॉग ला स्टार्ट करत हूँ। तो संगवारी हो, आज के ब्लॉग सामूहिक विवाह के ऊपर होने वाला है। मैं अपन लास्ट दो वीडियो में एक टन बात शेयर करे रहा हूँ संगवारी हो की हमारे स्कूल ग्राउंड में सामूहिक विवाह होने वाला है, इसे करके जे नाच सम्पन्न हुई से और बहुत अच्छा से सम्पन्न हुआ संगवारी हो, बहुत अच्छा लगी से, एकदम धूमधाम से हुई शादी है। तो स्कूल के बाद में हम शामिल हो रहे हैं शादी में, तो मैं आज पूरा वीडियो ला आप मन के साथ में शेयर करूँ, ब्लॉग में बने रहूँ। ये है संगवारी हो प्रवेश द्वार, जिनला बहुत सुंदर तरीका से सजाया गया हवे और केला पेड़ घलो लगाए गए हवे, एकदम मस्त लगत रही से। और हम अंदर प्रवेश करत हन संगवारी हो, अगर आप मन मोर चैनल में नवाए हो तो बिल्कुल मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर दो भाई, और मोर वीडियो ला लाइक कमेंट और शेयर करे बर बिल्कुल झन भुलाए करो। ये साइड पूरा पार्किंग है संगवारी हो, और देखो आप मन देख सकत हो खाए पिए के बहुत कन आइटम है, चाट गुपचुप भेल और कुल्फी वाला भैया घलो आए रही हिसाब है, बादाम शेक वाला है ना। और ये देखो रेड कारपेट लगे ही मस्त, दूल्हा मन नहीं है उसका टाइम हमन हाँ क्लास में रही, आवाज़ आ रही इस पटाखा फूटे के, फिर हमार क्लास चलत रही संगवारी हो। ये वीडियो ला मैं यहाँ अभी लंच ब्रेक में बना हूँ संगवारी हो, देखो गेट के ऊपर लड़का मन भागत घलो है। जय भारत वाले भैया पंडाल ला लगा रही, तो मैं यहाँ कल वीडियो शेयर करे रही हूँ पर कल कंप्लीट नहीं हूँ इस पूरा सेट हाँ। और आज देखो एकदम गजब के लुक दे है ना, और मस्त केला पेड़ लगा है सब जगह, और ऊपर में लगा है बलून। सामूहिक विवाह के पूरा तैयारी माँ हमार आंगनबाड़ी वाले दीदी मन भिड़े रही इस 3-4 दिन से, और आज तो सुबह ले आके 7 बजे भिड़े रही इन हवे। मैं उनका मन से बात करी हूँ, एकदम बिचारी मन पस्त हो गए सुबह आए आए टेंशन के मारे, काबर कोई बड़े काम के जिम्मेदारी रही थी ना संगवारी हो, तो टेंशन भी बहुत रही थे है ना। पर बहुत अच्छा तैयारी करे भाई, ये देखो बहुत अच्छा लगा थे पूरा पंडाल है ना, दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदार मन घलो आए हवे, और गुंडर देही के गांव घर के मन घलो विवाह देखे बर आए है। काबर की सामूहिक विवाह के नाम सुनते ही ना एकदम लोगन मन में देखे को उत्सुकता बढ़ जाते, और 55 जन के शादी यही में रहेगा, एकदम जन मन मस्त खुशी खुशी तैयार हो के एकदम आए रही ना हवे, बैठे रही ने मंडप में, और शादी के आनंद ला एकदम मस्त उठाई सावे। ये देखो दीदी मन बढ़िया कैमरा के आगू आगू माँ फोटो घलो खिंचवावत रही ने। आज के वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप मन बिल्कुल मोर ब्लॉग में जुड़े रहो। और ये देखो मोर साथ ममता हावे, तेना आगे आगे जावत रही हिसाबे कि ये साइड जाबो इसे करके, तो चलो मैं यहाँ एक एक करके सब दुल्हा दुल्हन ला आप मन दिखावत हूँ। एक ठन जिन हवन कुंड बने हैं दिन में 2 जन बैठे रही हैं, और 2-3 ठन में 3-3 जन बैठे रही संगवारी हो। 55 जोड़ा के विवाह होना रही इसे, मगर 3 जन मन नहीं रही नहीं आ रही हवे, नहीं आ पाए रही नहीं कोई कारणवश, तो 53 जन के हो ही सावे। आपके गांव के हैं क्या, आपके गांव के धरती माता ने जल डालने के बाद चंदन लगा दे, चावल फूल चढ़ा दे, प्रसाद होगा वहीं के लिए धरती माता का पूजन करें। वर वधु तरीके रहे इन्हें चंद पर धरती माता छोड़े लाल चंदन मटन छोड़े प्रसाद छोड़े मनोहारी का नंबर बदल दे। दो दो जन बैठे हैं ना एक एक में, सब के के जिसने साड़ी 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 एक ही हाँ। पिछले टाइम पीला दे रही से अभी लाल दे। विवाह
तीन जोड़ा बैठे वैसे बैठा हुई दो तीन अच्छा दो झंडे पूरा पचपन नहीं है एकदम उमस है ना चलिए कलश पूजन करके आपके सामने कलश रखा हुआ है। ये जो कलश है जितना देव शक्ति है सब इसी कलश के अंदर विराज कर रहते हैं और सभी का स्वभाव अलग अलग है। ध्यान देंगे आप कन्या यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे तो आपका घर संस्कार अच्छा बनेगा। आप कलश पूजन क्यों करें इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन की बार हुआ है। ध्यान देंगे इस कारण बोल रहा हूँ मैं कन्या ध्यान दें ये फिर विश्व ब्रह्मांड के प्रतीक है जिस कलश का पूजन करने जा रहे हैं। हाथ में चार फूल ले और इसी कलश के अंदर समस्त देव शक्तियाँ वास करती है और सब देवताओं का स्वभाव अलग अलग है। विष्णु जी अलग है ब्रह्मा जी अलग शंकर जितने भगवान हैं सबका स्वभाव अलग है। इसी तरह आप जिस घर परिवार में जा रहे हैं वहाँ सबका स्वभाव अलग रहेगा। आपका स्वभाव अलग है पति का अलग रहेगा सास ससुर हो तो उसका स्वभाव अलग रहेगा। जितने भी घर के सदस्य सबका स्वभाव अलग रहेगा। तो जैसे देवता एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रेम पूर्वक रहते हैं वैसे ही आप लोग को उस परिवार में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रेम पूर्वक रहना है। यही प्लस मिशन पूजन के पीछे भाव छिपा हुआ है। चलिए ओमयामी भ्रमण वंदमान जयमानो वरुणे उसमें कलश में चंदन चमन फूल ढोली तथा चढ़ाए। आओ आओ पधारो विराजो कल ये देखो संगवारी हो पूरा दहेज के टिकावन के सामान जो नाप माला दिखा रही हूँ उमा से देखो पूरा जेखर हरे देखा नाम लिखा है ना है ना। और ड्रम ला तो कल देख डर हूँ ये मन थाली दे है और थाली के साथ में ग्लास है टिफिन चम्मच कटोरी कुकर है और एक तो बेड सीट है ना पेटी हवे ये देखो बहुत लंबा मतलब तीपन झन के शादी हो उतना पूरा मन के दहेज के सामान है और सबके मतलब नाम लिखा है। आपका सौभाग्य है कि श्री गुरु शीश के बाहर परम परम गुरु परम पदाधिकारी राम कर्मण को साधित होने जा रहे हैं। गुरु के विषय में कहते हैं राम के मानव सम्मान का ध्यान करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश
इधर से दिखोगे कैसे घूमने जगह बदलने पर जाए।
अब कन्या के सिंदूर करेंगे, वर खड़े होते हैं, जिसका होगा वो सूखा और नहीं तो फिर देख लो वीडियो चांदी के चांदी का हमको भी देख लो सिंदूर दान करिए, है ना, सिंदूर दान करिए। वर्ष निवेदन है कि सिंदूर की डाल लें वहीं पे एक लिए कुमकुम बंधन जो भी है जो मिल जाए। सामने साइड से लेते मंगते हैं मंत्र आप घरे कन्या अपने पतिदेव का तिलक करेंगी कि मैं आपका सौभाग्य के साथ आपके लिए सौभाग्य के साथ सिद्ध हूँ, आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला। वर बैठ जाए, वर पीछे बैठ जाए, कन्या सिंदूर भरे तिलक करेंगे मतलब से, है ना, अपने मंदिर सात बार में पूरा ढक दे, ओपन आ गया है ना असल में, उसका पिन लगा है, पिन 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 को निकालो। अरे बाप रे, मिठाई जो भी है लाइची रमा हो संगवारी हो। बहुत बढ़िया तरीका से गायत्री विवाह संपन्न करेगी 53 जोड़ा के। तो आज के ब्लॉग में यहाँ यहीं आखिरी करत हूँ संगवारी हो, मिलूँ आने वाला ब्लॉग में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।